नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक इजी और स्पेशल डिश, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी एक ऐसी डिश है जो अपने अद्भुत स्वाद और सुगंध के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चावल, चिकन, मसालों का एक अनोखा मिश्रण है जो आपके मुंह में पानी ला देगा। बहुत टाइम चिकन बिरयानी बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आज हम चिकन बिरयानी बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो मैं हूँ सुप्रिया सिंह और स्वागत है आपका SS किचन में। तो चलिए बनाते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 kg चिकन लिए है। चिकन का साइज यहाँ पे हम मीडियम लेंगे। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो अब हम चिकन को साइड करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसे हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे और हरा मिर्चा लेंगे और इसे हम कूट लेंगे। तो आप यहाँ पे अदरक और लहसुन को कूट के भी रख सकते हैं या इसका पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से कूट के रखेंगे लहसुन और अदरक को तो चिकन बिरयानी में काफी अच्छी फ्लेवर आएगी। तो अब हम बरिस्ता बनाएंगे। बरिस्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन को हम गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें हम तेल को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है, इतना गर्म होने देना है कि जब तक तेल से धुआं ना निकले। तो बरिस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1/2 kg प्याज लिए थे और प्याज को हम इस प्रकार से लच्छेदार में कट कर लेंगे। प्याज हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, बरिस्ता का प्याज पतला होता है इस प्रकार से। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल में हम प्याज को ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बरिस्ता बनाने के लिए हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और प्याज को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि प्याज हमारा जले भी नहीं और प्याज में एक अच्छी क्रंचनेस आए। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज इतना गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस को बंद कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि प्याज जले नहीं। अब हम प्याज को बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब हम बरिस्ता को इस प्रकार से फैला के रख देंगे जिससे कि बरिस्ता थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। इसे फैला के रखेंगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो बरिस्ता में एक क्रंचनेस आ जाएगी। अब इसे हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे हम बिरयानी के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 चम्मच जीरा लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे, 4 से 5 छोटी इलायची लेंगे, 1 चक्रफूल लेंगे, 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, 5 से 6 पीस लौंग लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च लेंगे, 1/4 चम्मच सौंफ लेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे। अब हम सभी साबुत मसाले को 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो आप जब भी घर पे बिरयानी बनाएं तो आप ये मसाला जरूर बनाएं जिससे कि बिरयानी के टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। या हमें मसाले को तब तक रोस्ट करना है जब तक कि मसाले से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, गैस को अब हम बंद कर लेंगे। अब इस मसाले को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए सभी चीज का प्रिपरेशन कर लिए है। अब एक एक करके हम सभी चीज को चिकन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच मिर्चा पाउडर लेंगे, मिर्चा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, जो हमने बिरयानी के लिए मसाला तैयार किए थे उसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कूटे हुए अदरक लहसुन मिर्चे के पेस्ट को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 150 ग्राम दही लिए थे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे और इसे भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बरिस्ता को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रंची बन के तैयार हुआ है। तो हमें पूरा बरिस्ता को ऐड नहीं करना है, कुछ बरिस्ता हम साइड कर लेंगे दम लगाने के लिए, बाकी को हम ऐड करेंगे इसमें। अब जो बरिस्ता में तेल बचा हुआ था उसी तेल को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के ऊपर मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग बन जाए। अगर आप इस तरीके से चिकन बिरयानी बना के तैयार करते हैं तो यकीन मानिए कि आप रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा चिकन बिरयानी घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो इसे हम इसी प्रकार से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी चिकन पे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब इसे हम ढक के 40 से 50 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे कि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 50 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे हम चिकन को कुक करने का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल रखेंगे। तेल को यहाँ पे हम अच्छे से गर्म होने देंगे और यहाँ पे हमें ज्यादा तेल यूज नहीं करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे तेल में और जीरा को हम गोल्डन होने देंगे। अब जीरा का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे और इसे हमने स्लाइस में कट
कट कर लिए थे। तो यहाँ पे हम प्याज को गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो हमें प्याज को 3 से 4 मिनट थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेना है। प्याज को हमें बस इतना ही कुक करना है। जब प्याज इतना कुक हो जाए तो इसमें हम मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड करेंगे। अब इस चिकन को हम कंटिन्यू 5 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो इसमें कर्ड यूज किया गया हुआ है, कर्ड फट जाएगा। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे चिकन को 5 मिनट अच्छे से भून लिए हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन से तेल अलग होने लगा है। अब चिकन को हम लो फ्लेम पे 10 मिनट ढक के पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम 1 से 2 बार चला लेंगे। तो इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। अगर आप 10 मिनट चिकन को इस तरीके से कुक करेंगे तो आपको चिकन को देख के पक्का मुंह में पानी आ जाएगा। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे अभी 5 मिनट ढक के और पका लेंगे। तो चिकन को हम 5 मिनट और पका लिए हैं, इसे ओपन कर लेंगे और इसे हम चला लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। चिकन मसाला रखने के बाद इसे हमें 5 मिनट और ढक के पकाना है। तब तक चिकन पक रहा है जब तक हम राइस को धो लेते हैं बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे हमने बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी राइस लिए है। यहाँ पे आप बिरयानी राइस या बासमती राइस ले सकते हैं। हमने 1.5 किलो चिकन के लिए 1 kg राइस लिए है। आप इक्वल भी रख सकते हैं चिकन और राइस का मेजरमेंट। जैसे 1.5 किलो चिकन है तो 1.5 किलो राइस ले सकते हैं। अब इस राइस को हम अच्छे से धो लेंगे। तो राइस को हमने अच्छे से धो लिए है। हल्के हाथों से इस प्रकार से राइस को धोएंगे। अब राइस को हम 30 मिनट के लिए सोक करके इस तरह से रख देंगे जिससे कि बिरयानी के राइस खिले खिले बनके तैयार हो। तो राइस बनाने के लिए एक पतीले में हम पानी ले लेंगे। पानी में हम 3 से 4 तेजपत्ता रखेंगे, 1 बड़ी इलायची रखेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची रखेंगे, 1 चक्रफूल रखेंगे, 6 से 7 पीस लौंग रखेंगे, 2 टुकड़ा दालचीनी का रखेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और 2 से 3 पीस लेमन स्लाइस ऐड करेंगे। अब इसे हम गैस पे रख के इसे ढक देंगे और वेट करेंगे पानी में 1 उबाल आने तक। तो चिकन को पकाते हुए 5 मिनट हो गया है, इसे ओपन कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चिकन यहाँ पे कुक हो गया है, अब गैस को हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी अच्छे से उबल गया है। पानी को हमें बहुत अच्छे से उबालना है इसी प्रकार से। अब जो हमने चावल लिया था पानी में सोख करके, उसके पानी को हमने बाहर निकाल दिए हैं और हम अब इसमें चावल को ऐड करेंगे। अब चावल को हम 1 बार चला लेंगे। चावल को बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। चावल को हम बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे हल्के हाथों से। अगर ज्यादा आप चावल चलाएंगे तो चावल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और चावल को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस चावल को 70% ही कुक करना है। 30% हम दम पे कुक करेंगे। तो अब यहाँ पे 70% चावल कुक हो चुका है। गैस को अब हम बंद कर लेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ से जितने भी खारे मसाले हैं इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। अब हम राइस को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 लेयर चावल का नीचे रखेंगे, सबसे नीचे। उसके ऊपर से हम चिकन का लेयर इस प्रकार से बिछा देंगे चारों तरफ। इस तरह से हमें राइस के ऊपर चारों तरफ चिकन को बिछा देना है। फिर इसके ऊपर से हम राइस को इस प्रकार से रखेंगे। फिर से इसके ऊपर हम चिकन के लेयर बिछाएंगे चारों तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम चिकन के ऊपर राइस रखेंगे चारों तरफ से। अब राइस के ऊपर हल्का सा घी ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा कलर फूड ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इससे थोड़ा बिरयानी देखने में अच्छा लगता है। अब राइस के ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे, कुछ पुदीना के पत्ता ऐड करेंगे जिससे कि बिरयानी में एक अच्छी फ्लेवर आए। साथ ही जो बरिस्ता हमने बनाए थे उसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे इस प्रकार से और इसे हम आटे से अच्छे से पैक कर देंगे ताकि गैस बाहर न निकले। अब इसे हमने चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दिए हैं। अब गैस को हम ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक दम लगाना है। अब चिकन बिरयानी को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, गैस को बंद कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। तो 5 मिनट रेस्ट पे इसे हमने रख दिया है, इसे अब ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ चिकन बिरयानी इस तरीके से दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन बिरयानी देखने में ही कितनी लजीज लग रही है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, बिरयानी के साथ अगर रायता न खाए तो क्या खाए। तो बिरयानी बन के तैयार है, अब हम रायता बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से। तो रायता बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम दही लिए है, यहाँ पे 1 हमने प्याज लिए है और प्याज को हमने इस प्रकार से बारीकी से कट
कट कर लिए हैं, इसे हम दही में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने दो काकड़ी लिया है और काकड़ी को भी हम बारीकी से इस प्रकार से कट कर लेंगे। इसे भी हम दही में ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, एक हरा मिर्च लेंगे और इसे भी बारीक में कट कर लेंगे। इसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब इस सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेन रायता बनाया है, इसमें हमें किसी भी प्रकार के मसाला ऐड नहीं करना है। तो रायता हमारा रेडी है, अब हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राइस और चिकन के मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और चावल भी हमारा कितना खिला खिला है। तो आप भी इस ट्रिक से अगर चिकन बिरयानी बनाते हैं तो आपका भी चिकन बिरयानी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो मिलते हैं आपसे एक यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।